उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां SC ST कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना हुई। वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। शूटआउट की घटना में कुल 4 लोगों को गोलियां लगी। गोली लगने से संजीव जीवा, जो कि मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है, की मौके पर ही जान चली गई। संजीव जीवा के अलावा गोलीबारी की घटना में 3 लोगों को और घायल किया गया। कोर्ट में हुई इस वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि संजय दत्त का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है अब जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कानून न्यायपालिका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब बदमाशों की इतनी हिम्मत होने लगी कि वो कोर्ट के अंदर जाकर इस तरीके की वारदातें करने लगे। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि UP में इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखना होगा कि इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है, जिन्होंने न्यायपालिका के साथ उल्लंघन तो किया ही, साथ ही 4 व्यक्तियों को घायल भी कर दिया। वैसे आप सभी संजय दत्त के इस बयान से सहमत भी हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।